अपनी ऑडिशन स्कूल की फीस क्यों होगी सर अभी? और सर किसी बात बजट नहीं होगा, मान लो 75,000 या लाख तक का पेमेंट करने का होगा, वो इस फील्ड में आना चाह रहा हो, उसके लिए क्या ऑप्शन है सर? ऑल्टरनेटिव मतलब हमने अलग अलग चीज़ें, अभी ऑडिशन स्कूल में भी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऑडिशन स्कूल जो था वो सिर्फ एक तरह का कोर्स करता था, जो 3 मंथ का फुल टाइम कोर्स था। अभी और भी उसमें बदलाव आ रहे हैं, जैसे उसमें कुछ पार्ट टाइम भी एड ऑन होने वाले हैं, शॉर्ट टर्म भी उसमें एड ऑन होने वाले हैं, वर्कशॉप्स उसमें एड ऑन होने वाले हैं। तो जो जो इस कोरोना काल की वजह से जो जो बदलाव पूरी दुनिया में आए हैं, वो ऑडिशन स्कूल में भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि वही फिक्स है या फीस भी वही रहेगी, ऐसा भी फिक्स नहीं है। तो टीवी के लिए ऑडिशन कैसे दें, ये पूछ रहे हैं विवेक शुक्ला जी। टीवी के लिए ऑडिशन देने के लिए टीवी क्योंकि एक ऐसा मीडियम है सर, कई सारे लोग ये बात पूछते हैं कि मैं मुंबई में नहीं हूँ तो टीवी के लिए ऑडिशन कैसे दूं? देखिए क्या होता है कि जब आप फिल्म एड या वेब सीरीज इस तरह का अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर आप जहां है वहां से ऑडिशन तो आप किसी के लिए भी दे सकते हैं, बट टीवी एक ऐसा मीडियम है सर जहां के लिए आपको जहां पे शूटिंग हो रही है ना वहां रहना बहुत जरूरी है। मोस्टली टीवी की शूटिंग मुंबई में होती है। अगर आप मुंबई में हैं तो सबसे पहले तो मतलब अगर आप मुंबई टीवी करना चाहते हैं तो मुंबई में रहना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं टीवी में उन सब जगह पर ओपन ऑडिशंस होते हैं और हम लोग बीच बीच में ओपन ऑडिशंस भी रखते हैं। और रही बात ऑडिशन की जानकारी की, तो मैं खुद अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, सिर्फ अपने ही नहीं जो भी हमारे कलीग्स कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जैसे कि अभी बालाजी प्रोडक्शन हाउस में मैं इस वक्त पे कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ की अगर कोई कास्टिंग होती है तो हमारे फ्रेंड हैं तो हम उस चीज़ को भी अपलोड करते रहते हैं। तो आप उन्हें देखें और जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है आप वहाँ पर जाके ऑडिशन दे सकते हैं और अपना, या फिर किसी ने अगर मेल पे मंगाए हैं तो उनको अपना रिकॉर्डेड ऑडिशन अपलोड करके उसका लिंक भेज सकते हैं, और या तो फिर प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट जाके ओपन ऑडिशन के लिए पूछ सकते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्शन हाउस में ये बता दिया जाता है और बहुत सिंपल है ये। अगर आप प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो आप वहां पर ये पूछते हैं कि मुझे ओपन ऑडिशन देना है, तो अगर वहां पर चल रहा होगा उस वक्त ऑडिशन तो कहेंगे ठीक है चल रहा है आप दे दीजिए, अगर नहीं चल रहा होगा तो आपको बता देंगे कि इस वक्त नहीं चल रहा है या ये मेल आईडी है यहां भेज दीजिए या फिर ये कास्टिंग कर रहे हैं इनसे मिल लीजिए, तो आपको जानकारी मिल जाती है। जी जी। तो अभी हम लोग जो कास्टिंग कर रहे हैं उस पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने सोशल मीडिया साइट पे डालते हैं कि ऐसी ऐसी फला रिक्वायरमेंट है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मैसेज भेजिए या मेल भेज दीजिए। उसमें से जो लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं फिर हम उन्हें फाइनल लुक टेस्ट या जो जिनका स्क्रीन टेस्ट ऐसा कुछ होने वाला होता है उन्हीं को बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मनोज सर। मेरा ये सवाल था कि एक्टर्स को पोर्टफोलियो बनाना जरूरी रहता है क्या? जैसे हम ऑडिशंस का ऐसे अपडेट आता है तो हम प्रोफाइल देखते हैं, तो पोर्टफोलियो फोटो भेजना जरूरी रहता है क्या? नॉर्मल फोटोज नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते हैं। इवन मैं एक चीज आपको यहाँ पर कहूंगा कि जितने आप देखिए इस वक्त पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, अगर मैं फिल्म टीवी एड सबको मिला लूं, हिंदुस्तान में कुछ 70-80 कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अगर मैं हर एक की टीम को जोड़ूंगा तब तो ज्यादा हो जाएगा, कि हर एक अगर जैसे हमारी टीम है तो अगर टीम में 10 लोग हैं तो फिर तो ज्यादा हो जाएंगे, बट जो कास्टिंग हेड है, हेड ऑफ द कास्टिंग जितने लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ 70-80 लोग काम कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ और मैं मतलब ये आप चेक भी कर सकते हैं, कभी भी आप इन 70-80 में से किसी को नहीं सुनेंगे जो ये कहता है कि पोर्टफोलियो लाओ। इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो वाला टाइम वो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर इस वक्त पे पोर्टफोलियो नहीं देखता है। पोर्टफोलियो क्यों नहीं देखता है? उसके पीछे कारण ये है कि अगर मुझे प्रिंट के लिए कुछ चीज चाहिए तब तो मैं देखूंगा, बट अगर मुझे वीडियो माध्यम में चाहिए तो लोग क्या करते हैं, आजकल एडिटिंग इफेक्ट और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जिसने मुझे फोटो भेजा था जब वो मेरे सामने आता है या आती है तो ये वही है, ये हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी इंसान फोटो नहीं देखता है सर, सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन चलता है, नॉर्मल ऑडिशन चलता है। तो मैं तो नहीं देखता। हेलो जी, नॉर्मल फोटो भी सेंड कर सकते हैं ना?
बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल फोटो, एक फुल साइज, एक मिड साइज, एक क्लोजअप, ये तीन फोटो भेज दीजिए किसी को भी।